स्नेहितरे, मैंने सुना है कि सिद्धारमैया जी यहां कह रहे हैं कि बीते 3.5 साल में जो विकास यहां हुआ है ये उन्होंने कराया है। अब उनका ये वाक्य, उनका ये कबूलातनामा ये अपने आप में बता रहा है कि काम अगर कोई करता है तो डबल इंजन की सरकार काम करती है, और ये भी बताएं किसी भेदभाव के बिना करती है। ये बीजेपी की सरकारी ही योजनाएं जिनका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिला है, यहां गांव की अच्छी सड़कें हुई तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण संभव हुआ, यहां हाईवे अच्छे हो रहे हैं तो ये भी डबल इंजन सरकार के प्रयास के कारण हो रहा है, आज रेलवे के इतने सारे प्रोजेक्ट पर तेज गति से काम चल रहा है ये भी डबल इंजन सरकार की देन है। स्नेहितरे, वैसे तो सिद्धारमैया जी अब इस क्षेत्र को छोड़कर, आपको छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं, वो हवा का रुख समझ गए हैं, लेकिन अगर अटकते भटकते इधर आ जाएं तो उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा। आप सिद्धारमैया से सवाल पूछोगे क्या? पूछोगे क्या? आप उनको एक सवाल पूछेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, पूछेंगे? आप उनसे पूछिएगा कि आखिर इस क्षेत्र के गरीब भाई बहन इतनी सारी मूलभूत सुविधाओं से इसके पहले वंचित क्यों थे? बागलकोटे के 3 लाख से ज्यादा परिवारों को पहली बार नल से जल की सुविधा डबल इंजन सरकार ने दी। बागलकोटे के 25,000 से अधिक गरीब परिवारों के लिए पक्के घर डबल इंजन सरकार ने स्वीकृत किए। बागलकोटे के लगभग 6 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज का सुरक्षा कवच मिला। करीब 5 लाख साथी दुर्घटना और जीवन बीमा की सरकारी योजना से जुड़े। करीब 1 लाख साथियों को पहली बार अटल पेंशन की सुविधा मिली। जिले के 8 लाख साथियों को पहली बार जनधन बैंक अकाउंट खोले। 7 लाख छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी का ऋण मिला। इतना सारा लाभ कांग्रेस सरकार में कभी नहीं मिल सकता, जिस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड 85% कमीशन खाने का हो वो कभी जनता के हित में इस सेवा भाव से काम नहीं कर सकते। स्नेहितरे, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार गरीब के लिए अगर दिल्ली से 100 पैसा भेजती है, 1 रुपया भेजती है, अगर 100 पैसे भेजती है तो सिर्फ 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद से बोला था कि 85% बीच में ही कोई लूट लेता है। भाइयों बहनों, ये कौन सा पंजा है जो 1 रुपये में से 85 खा जाता है? यही कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है।
कांग्रेस के यही कुकर्म रहे कि हमारा देश इतने दशकों तक पिछड़ा बना रहा।